तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिनेमैटिक इफेक्ट कैसे डालें अपनी पिक्चर्स पर। और आपने बोला था बॉयज़ की पिक्चर जो होनी चाहिए, तो ये बॉयज़ की पिक्चर्स हैं, बस कुछ शूट थोड़ा देसी टाइप है। ओके, तो इस पिक्चर को हम एडिट करने के लिए मैंने इस पर बहुत इफेक्ट यूज़ किया था, तब जाके हुआ था। वो प्रीसेट्स मैंने इसमें सेव कर लिया है, तो मैं उसी प्रीसेट्स के दौरान ही एडिट करूँगा। ठीक है, तो ये प्रीसेट्स ऐड मार दूँगा, फिर मैं आपको सेटिंग दिखा दूँगा इसमें क्या क्या किया गया। ओके, तो दो तरह की मैंने सिनेमैटिक इफेक्ट किया था, जैसे एक ये है, यहाँ से इसे ओके कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डार्क सिनेमैटिक इफेक्ट है। एक सेकेंड, ये देखिए डार्क सिनेमैटिक इफेक्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैं इसे बफर कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, और इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंस प्रोफाइल को ओके करके रखना है, यहाँ से नॉइज़ रेजोल्यूशन हमारी 46, डिटेलिंग 75, कॉन्ट्रास्ट 75 और कलर नोटिफिकेशन आपकी रहेगी 57 और डिटेल 81 और स्मूथनेस 44। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है क्लैरिटी 11 और ये धीज 41 और ये हमारा 28 रहेगा। ये सारी सेटिंग्स आप देख लो एक बार। ठीक है, और यहाँ पर कलर में आएंगे तो हमारा टैम 21 माइनस रहेगा, विजिलेंस 18 प्लस रहेगा और सैचुरेशन 18 प्लस। और जो हमारा रेड कलर होगा कुछ नहीं होगा इसमें, और जो ये वाला हमारे सैचुरेशन का कलर होगा वो कुछ इस तरह सेट होएगा, और येलो कलर के सैचुरेशन को हम कम कर देंगे, और यहाँ पर ग्रीन कलर की ह्यू को बढ़ा देंगे, और यहाँ से सैचुरेशन ल्यूमिनेंस 23 माइनस कर देंगे, और ये जो हमारा स्काई ब्लू कलर है इन दोनों को 100 और 23 इसके स्काई ब्लू का आएंगे। स्काई ब्लू का हमारा कलर है 97 ह्यू और सैचुरेशन 79 है। ओके, जो हमारा ब्लू है -8 ह्यू है और सैचुरेशन 23, ल्यूमिनेंस 21 और ये दोनों इक्वल है। ओके, और जो इधर की सेटिंग आप देख लेना, एक्सपोज 91 और कॉन्ट्रास्ट 30 माइनस है, हाईलाइट्स 90 माइनस और शेडोज आपके 98 प्लस है, और वाइटनेस 20 और ब्लैक्स 29। और जो हमारा ये वाला यहाँ पे सेटिंग देख लेना फ्रेंड्स, इसको क्लिक करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारी पिक को ज़्यादा इफेक्ट अलग देते हैं। ओके, तो ये हमारा सिनेमैटिक इफेक्ट हो चुका है एडिट। ठीक है, आपको सिखा दिया है, और अभी मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से दूसरे वाला भी सिखा दूँगा आपको। ओके, तो दूसरे वाला प्रीसेट्स मारेंगे हम इस पर, ये वाला प्रीसेट्स भी देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा। ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, और अब हम मैं आपको सेटिंग दिखाया, तो ये लेंस प्रोफाइल को ओके करके रखते हैं। नॉइज़ इसमें रहेगी हमारी 18, डिटेल 50 और कॉन्ट्रास्ट 0, कलर नोटिफिकेशन रहेगी 12 और इसमें डिटेल रहेगी 50 और स्मूथनेस भी 50। ओके, क्लेरिटी इसमें रहेगी हमारी 10%, ओरिजिनल 7 माइनस, और मेन पॉइंट आपका रहेगा 99, फेदर रहेगा 92 और बाकी सब इक्वली जैसे था। टैंप आपका रहेगा इसमें 15 माइनस, और टैंट रहेगा आपका 7 प्लस, ओरिजिनेंस आपकी 15 प्लस और सैचुरेशन 4 प्लस। ओके, रेड कलर का सैचुरेशन आपका 14 माइनस रहेगा, ल्यूमिनस 66 और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को कम रखेंगे हम 19 माइनस और यहाँ पे ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे। येलो कलर की ह्यू को हम करेंगे 42, आप देख सकते हैं ये देखिए 42। ठीक है, 43 या 42। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन कलर को 45 ह्यू को, और यहाँ पर ये स्काई ब्लू ब्लू कलर के 25 ह्यू रखेंगे और सैचुरेशन 83
यहाँ पे जो पर्पल कलर हमारा सैचुरेशन है इसकी 43 माइनस रखेंगे और ल्यूमिनेंस है 68। और जो हमारी और ये जो सबसे लास्ट है थोड़ा पर्पल टाइप का है, 48 माइनस सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस 74। ओके, ये हो गई हमारी कलर सेटिंग्स। और यहाँ पे आएंगे एक्सपोजर हमारा रहेगा 59 प्लस, कॉन्ट्रास्ट हमारा रहेगा 23 माइनस, हाईलाइट 76 माइनस, शेडोज 66 प्लस, और वाइटनेस वाइट्स रहेगा 34 प्लस, और ब्लैक्स 8 माइनस। ठीक है, और ये वाला देखो दोबारा से सेटिंग। ठीक है, ये दो हो गया और ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया सिनेमैटिक इफेक्ट। और जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होगी। अभी मैं वो पिक दिखा देता हूँ जो इससे अगली वीडियो आएगी। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के लिए भी बहुत ही इंतजार करना है आपको, वीडियो बहुत अल्टीमेट होगी ये मेरी गारंटी है। कुछ इस तरह की मेरी रियल पिक होगी। ठीक है, और जो इसे मैं एडिट करूँगा वो है हमारी फाउंडेन बॉयल फिल, वो भी आपको दिखाता हूँ कितनी मैंने अच्छी तरह बनाई है। आपको बैकग्राउंड और सब कुछ मिल जाएगा। और जो अभी मैंने सिनेमैटिक इफेक्ट की वीडियो दिखाई है इसका भी रियल आपको उसकी भी रियल वीडियो रियल पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अल्टीमेट बनाई है, आप देख सकते हो। आपको ये सब PNG और बैकग्राउंड सब मिल जाएगा, और आपको एडिटिंग करके भी दिखा दूंगा कैसे हो जाती है ये फाउंडेन वॉल फिल अपने खुद की पिक पे। ओके, और हाँ फ्रेंड, जो मैंने अभी वीडियो बनाई है उसको थोड़ा समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे एक न्यू चीज़ है, आप उसके कारण वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो दो मिनट ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं अपनी वीडियो दिखाऊंगा, किसी की वीडियो दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो चला देता हूँ लेटेस्ट वाली, में क्या फ़ायदा है सब। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी नोटिफिकेशन मिल अगर प्रीसेट सेव होता तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रीसेट्स भी दे सकता था सिनेमैटिक इफेक्ट का। सॉरी, ओरिजिनल पिक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक पे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं आपको यूट्यूब पे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, यूट्यूब पे ग्रुप बना रहा हूँ, तो आप सब ऐड हो जाना। लिंक मैं आपको दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि हमारा यूट्यूब पे मैंने अभी एक ग्रुप बनाया है, MPT चल रहा है, कोई नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि पता ही नहीं है कि मैंने ग्रुप बनाया। तो मैं आप सबको एक सबका इस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो हम सारे यहाँ पे बात कर सकते हैं और इसमें जितने मर्जी बंदे ऐड कर सकते हैं हम। ओके, ये फुल नहीं होता, आप जितने मर्जी आइए और अपने ग्रुप का भी लिंक शेयर कर सकते हैं आप इधर। ओके, और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।